अमीर और गरीब बहन का ससुराल। आज तो मुझे ही देर हो गई है, पता नहीं अभी ममता क्या कर रही होगी। केसरी अपनी गरीब देवरानी के घर के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज लगाती है। अरे ममता, अरे कहाँ है तू? अभी तक सो रही है क्या? आज मंदिर नहीं जाना क्या? ममता पूजा की थाली लेकर बाहर आती है। अरे दीदी, आप आ गई, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चलो चलते हैं, हमें मंदिर जाने के लिए काफी देर हो गई है। ममता ऐसा कहने के बाद केसरी के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद उसकी बेटी रूबी शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपनी कार में बैठती है और ममता के घर के बाहर अपनी गरीब बहन को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। छह, कितनी बेकार किस्मत है तुम्हारी, हमेशा तुम्हें इन चूल्हे पर रोटियां ही पकानी पड़ती है। दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की गलती है। आज तक उन्होंने सही काम किया होता तो तुम्हें ये गरीबी वाले दिन तो नहीं देखने पड़ते। रूबी, मेरे पिता जितना भी कमाते हैं उसमें मैं खुश हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रहने दो रहने दो, मुझे पता है गरीबी में कोई खुश नहीं होता। और वैसे भी जब मैं अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाती हूँ तो तुम मुझे अपनी लालसा भरी आंखों से देखती हो, तो तुम्हारा भी मन करता होगा इस कार में घूमने का। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, नहीं तो आज की पार्टी मिस हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहती। रूबी ऐसा कहने के बाद डिस्को पहुंच जाती है, जहां वो अपने अमीर दोस्तों के बीच खूब सारा एंजॉय करती है। वाओ, आज तो यहाँ का माहौल ही बड़ा अनोखा है, पूरी वाइब आ रही है डिस्को में। अरे वाइब तो मुझे आती है, तेरे आते ही यहाँ चार चांद लग गए। और देख वो लड़का तुझे कब से देख रहा है, लगता है तेरी खूबसूरती का फैन हो गया है वो। ऐसे छोटे मोटे लड़कों को रूबी भाव नहीं देती, क्या तुम्हें नहीं पता उर्वशी? हाँ जानती हूँ तेरा टेस्ट कैसा है। दोनों सहेलियां डिस्को में एंजॉय कर रही होती है और वहीं मंदिर से आते वक्त दोनों देवरानी जेठानी अपनी बेटियों के बारे में बातें करते हुए आती हैं। अरे बेटिया कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। हाँ ममता, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो ये सोच रही थी क्यों ना अब हम अपनी बेटियों की शादी करवा दे, सही समय पर हमारी बेटियों के हाथ पीले हो जाएंगे तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कहती हो, मैं भी लड़का ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अमीर और गरीब होने के बाद भी देवरानी और जेठानी में जरा भी प्यार की कमी नहीं थी। जेठानी की गोरी बेटी को अमीरी और खूबसूरती का बहुत घमंड था। अमीर जेठानी अपनी बेटी का रिश्ता अमीर घर में करती है, तो वहीं बेचारी गरीब देवरानी की सांवली बेटी का रिश्ता गरीब घर में होता है, जिसके चलते रूबी अपनी गरीब बहन से कहती है, ओहो बेचारी की शादी भी गरीब डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग ही होगी, जहाँ पर गरीब ही गरीब होंगे। तुम्हें पता है मेरी शादी की डेस्टिनेशन कौन सी जगह पर है? आगरा में। वहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है, तुम्हारे नसीब में कहा। तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी एक बारात घर में करवा दे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा कहने के बाद वो सिया के पास से चली जाती है, जिसके बाद दोनों की शादी की सारी रस्में हो जाती हैं और वो दोनों अपने अमीर और गरीब ससुराल में पहुंच जाती हैं, जहां रूबी को अमीर ससुराल तो मिलता है लेकिन उसके साथ में एक बहुत कठोर नंद भी मिलती है जो उससे घर के सारे काम करवाती है। तो वहीं गरीब सांवली बेटी को गरीब ससुराल तो मिलता है लेकिन उसका पति और उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। सिया, माँ के जाने के बाद इस घर में हमेशा से एक औरत की कमी थी, जो अब तुमने आकर पूरी कर दी है। बस यहाँ की चार दीवारियों को तुम्हें घर बनाना है अब। सिया बहू, आज से तुम इस घर की गृहिणी हो, हमेशा अपने हिसाब से घर को सही से चलाना। सिया का पति जो भी कमाता वो कमाने के बाद सारे पैसे सिया को लाकर दे दिया करता था। वहीं अमीर जेठानी की गोरी बेटी की नंद उससे घर के सारे काम करवाती है। देखो भाभी जी, मैं भैया के साथ बिजनेस संभालती हूँ और इस घर को भी। जहाँ तक मुझे दिख रहा है हमारा बिजनेस अभी कोई खास नहीं चल रहा, इसलिए मैंने घर के सभी नौकरों को निकाल दिया है। अब से आपको ही घर के काम करने होंगे। क्या कहा मैं? और घर के काम क्यों, कभी किए नहीं क्या घर के काम? वैसे भी थोड़े घर के काम करोगी तो घिस नहीं जाओगी। चलो अब मैं जाती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ऐसा कहकर गरिमा ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसके बाद घर के सारे काम रूबी को ही करने पड़ते हैं। घर के काम करके वो बेचारी बहुत थक जाती है।
ओह माय गॉड, घर में कितना सारा काम करना पड़ता है। आज पता चल रहा है कि माँ अकेले घर को कैसे संभाला करती होगी। रूबी की हालत बुरी हो जाती है। शाम तक वो बहुत ज्यादा थक जाती है, जिसके चलते वो अपने पति के ऑफिस से आने के बाद उससे कहती है, मंजीत मैं घर के काम करके बोर हो गई हूँ, क्या तुम मुझे आज बाहर घुमाकर नहीं ला सकते? क्या बकवास कर रही हो, अभी मुझे काम करना है, चलो जाओ उससे घूम कर आओ, जहाँ घूमना है। ये सुनकर रूबी को थोड़ा बुरा लगता है। अपने अमीर ससुराल में सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत उदास होती है। एक तरफ उसका पति जो उसकी खूबसूरती की तरफ देखता भी नहीं था, तो वहीं उसकी नंद जो पूरे दिन उससे घर के काम करवाती है। वो घर के काम करने के बाद अकेली घर में बैठी हुई बोर हो जाती है। मेरे पास अभी करने के लिए कुछ है ही नहीं, वैसे मेरे साथ साथ मेरी गरीब बहन की भी शादी हुई थी। एक काम करती हूँ, मिलने के बहाने आज उसको जलील करके आती हूँ। रूबी ऐसा सोचते अपनी बहन के घर पहुँच जाती है। छी छी, तुम इस गंदे से घर में रहती हो, मैं तो बहुत बड़े आलिशान घर में रहती हूँ। तुम्हारी भी कैसी किस्मत है, पहले गरीब बाप की बेटी फिर गरीब पति, तुम्हारी किस्मत तो चमकने का नाम ही नहीं ले रही। रूबी के मुंह से अपनी पत्नी की बेइज्जती सूरज को बर्दाश्त नहीं होती। तुम कैसी बहन हो, यहाँ अपनी बहन से मिलने आई हो या उसे जख्म देने आई हो? तुम जैसी बहन की अब मेरी पत्नी होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए काम करो, तुम अपने अमीर घराने वापस लौट जाओ। सूरज का जवाब सुनकर रूबी मुंह बना के वहां से चली जाती है। वहीं घर पहुंचकर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, तो वहां उसका पति किसी और औरत के साथ होता है। मंजीत, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? एक शादीशुदा होकर तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई? चिल्लाओ मत, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, मैं इतना कमाता हूँ, तुम जैसी 36 लड़कियों को एक बार में खरीद सकता हूँ, आया समझ में? ऐसा कहने के बाद मंजीत उस लड़की को लेकर अपनी कार में बिठाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दूरी पर कार चलने के बाद मंजीत का एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से उस जगह से सिया गुजर रही होती है और वो मंजीत को पहचान लेती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और रूबी को मंजीत के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। जैसे ही मंजीत को होश आता है, सबसे पहले सिया उसके पास जाती है। मंजीत तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, दरअसल ये सब मेरी ही करने का नतीजा है, ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, मैंने बेचारी रूबी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है। मंजीत क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? माफ कर दो रूबी मुझे, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। ऐसा कहने के बाद रूबी सिया के हाथ पकड़ कर कहती है, सिया मेरे पति की जान बचाने के लिए शुक्रिया, आज तुम ना होते तो मेरा सुहाग उजड़ जाता, मैंने तुम्हें क्या क्या ही नहीं बोला, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पति को बचाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो, ये तो मेरा फर्ज था, तुम मेरी बहन तो हो रूबी। उस दिन के बाद रूबी अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म कर देती है और अपनी गरीब सांवली बहन के साथ अच्छे से रहने लगती है। वहीं मंजीत भी रूबी के साथ समय बिताता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। चार गोरी ननद की बिरयानी, एक काली भाभी की रोटी। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे गर्म कॉफी पीना पसंद है, फिर भी तू बार बार ये ठंडी कॉफी ले आती है। मालकिन मैं गर्म कॉफी ही लाई थी, आपने ही देर से पी इसलिए ये ठंडी हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? शक्ल ना सूरत और जुबान तो देखो, बिल्कुल कैंची की तरह चल रही है। मीनाक्षी इतना बोल ही रही होती है, तभी वहां मीनाक्षी का बड़ा भाई कमल आ जाता है। तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या बड़ों से बात करने की? यही सिखाया है तुम लोगों को हमने? भैया आप इस बदसूरत नौकरानी की साइड ले रहे हो, इन जैसे बदसूरत और काले लोगों को तो हमारे समाज में रहने का भी कोई हक नहीं। प्रिया मुंह बंद करो वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम अपने गोरे रंग पर इतना घमंड मत करो, समझी तुम चारों? इंसान काला हो या गोरा वो इंसान ही है, अगर आइंदा इनके या किसी और के बारे में ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चारों बहनें दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और मॉडर्न होती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ चारों बहनों में घमंड भी बहुत होता है। वो अपने से कम खूबसूरती वाले लोगों से हमेशा बदतमीजी से पेश आती और अपनी खूबसूरती का घमंड करती हैं, जिससे उनका भाई हमेशा उनसे परेशान रहता था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जब कमल अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा होता है, तभी रास्ते में, तो भीख नहीं मांगेगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? मासी मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन भीख मांगना नहीं, अब ये काम मुझसे नहीं होता, काश माँ के साथ मैं भी इस दुनिया को अलविदा बोल देती तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते।
बड़ा शौक है ना तुझे तेरी माँ के पास जाने का, तुझे आज मैं तेरी माँ के पास भेज ही देती हूँ। इतना कहकर विमला अपनी भांजी प्रीति को गाड़ी के सामने धक्का देने ही वाली होती है कि तभी वहां कमल आ जाता है और विमला को ऐसा करने से रोकता है। ये क्या कर रही है, शर्म नहीं आती अपनी ही भांजी के साथ ऐसा करते हुए? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये मेरी भांजी है, मैं भीख मंगवाऊं या इसे मारूं, तू कौन है? मैं वो हूं जो आपको एक कॉल पर जेल के अंदर भिजवा सकता हूं। कमल की बात सुनकर विमला काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन बेचारी प्रीति वहीं खड़ी रोती रहती है। प्रीति को रोता देख कमल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर एक रेस्टोरेंट ले जाता है। आप कब तक ऐसी रोती रहेंगी? मेरी तो किस्मत में ही रोना लिखा है, पैदा होने से पहले पिताजी गुजर गए, पैदा होते ही माँ गुजर गई और मौसी ने हमेशा मुझसे भीख मंगवाई, बचपन से लेकर आज तक अत्याचार किया। देखिए अब सब कुछ ठीक हो चुका है, आप रोना बंद करिए और कुछ खा लीजिए। अब क्या खाएंगी मुझे बता दीजिए, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। कमल के पूछने पर प्रीति इधर उधर देखने लगती है कि तभी प्रीति की नजर बिरयानी पर पड़ती है। प्रीति को बिरयानी काफी पसंद थी, इसलिए वो कमल को बिरयानी ऑर्डर करने के लिए कह देती है और जैसे ही बिरयानी आती है प्रीति थोड़ी ही देर में सारी बिरयानी खत्म कर देती है। प्रीति पर हुए अत्याचार से कमल को प्रीति के लिए बहुत बुरा लगता है। प्रीति रंग रूप में काली होती है लेकिन प्रीति का स्वभाव कमल को अच्छा लगने लगता है, जिससे अब धीरे धीरे कमल प्रीति को पसंद करने लग जाता है और एक दिन उसे प्रपोज कर देता है, जिसके बाद प्रीति और कमल मंदिर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कमल प्रीति को अपने घर लेकर जाता है। ये क्या कमल बेटा, तूने हमें बिन बताए शादी कर ली, वो भी इस काली लड़की से? माँ मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ, प्रीति भले ही रंग रूप से काली है लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कल्याणी जो होना था सो हो गया, तुम अंदर जाओ और बहू का स्वागत करो, प्रीति ही इस घर की बहू है। जिसके बाद कल्याणी प्रीति का स्वागत करती है और प्रीति को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, लेकिन प्रीति की चारों गोरी नंदे अपने गोरे होने के घमंड की वजह से उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। ओ मेरी काली भाभी, ये लो ड्रेस, मुझे आज कॉलेज के फंक्शन में ये पहननी है तो इसे अच्छे से प्रेस कर देना। प्रीति मीनाक्षी की ड्रेस को लेती है और उसे प्रेस करने के लिए चली जाती है। प्रीति उस ड्रेस को प्रेस कर ही रही होती है कि तभी प्रिया प्रीति को आवाज देने लगती है। प्रीति गलती से प्रेस को ड्रेस पर रखकर ही चली जाती है और प्रिया का काम करने लगती है, लेकिन तभी वहां मीनाक्षी आ जाती है और अपनी ड्रेस को जलता देख वो चिल्लाने लगती है। मैंने कहा था ना ये ड्रेस जलनी नहीं चाहिए, लेकिन तुमने इसे जला ही दिया और जलाकर बिल्कुल अपने इस काले रंग की तरह काला कर दिया। एक तो इतनी बदसूरत और काली है, ऊपर से ढंग का काम भी नहीं आता, पता नहीं भैया ने किससे शादी कर ली, इससे अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी है। अपनी चारों गोरी नंदो को अपने काले रंग का मजाक बनाते देख प्रीति को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो काफी भोली होती है, जिसके चलते वो अपनी नंदो को कुछ नहीं कहती और चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ खुशबू तो बढ़िया आ रही है, क्या बन रहा है आज खाने में? मैंने तुम लोगों की मनपसंद बिरयानी बनाई है, तुम चारों अपनी भाभी के साथ ये बिरयानी खा लेना, ठीक है? कल्याणी इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में बिरयानी बन जाती है और चारों नंद बिरयानी खाने के लिए बैठ जाती हैं। तभी वहां प्रीति आती है। आप सभी लोग बिरयानी खा रहे हो, पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। तेरी हैसियत नहीं है हमारे साथ बैठकर ये बिरयानी खाने की, कल रात की रोटी रखिए, जाकर वो रोटी खा, समझी? और हाँ, अगर इतना बिरयानी खाने का मन है तो जो हमारी जूठी बच जाएगी तो वो खा लियो, वैसे भी तुम जैसे लोगों की यही औकात होती है। सोनल की बात प्रीति के दिल पर किसी तीर की तरह चुभती है, लेकिन वो इस बार भी बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली जाती है। प्रीति को बचपन से ही बिरयानी बहुत पसंद होती है, लेकिन गरीबी की वजह से वो कभी भी बिरयानी नहीं खा पाती। शादी के बाद भी जब भी प्रीति के घर में बिरयानी बनती तो प्रीति के चारों नंदे उसे हमेशा बिरयानी खाने से रोक देती और उसे सूखी रोटी लाकर देती, जिसे देखकर प्रीति अब बिरयानी खाने की आस अपने मन से धीरे धीरे खत्म करने लगती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन, आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है तो तुम चारों अपनी भाभी के साथ मंदिर चली जाओ। क्या माँ,
अब हम उस कोयल जैसी शक्ल के साथ मंदिर जाएंगे। तुम चारों भूलो मत, अब इस घर की बहू है प्रीति और तुम्हारी भाभी, समझी? चुपचाप से जितना कहा है उतना करो। कल्याणी के कहने पर चारों नंदों को ना चाहते हुए भी अपनी काली भाभी के साथ मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन वो लोग रास्ते में प्रीति से 5 फुट की दूरी पर चल रहे होते हैं, जिससे उन लोगों का कोई मजाक ना उड़ाए। पूजा करके सभी घर वापस लौट ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में 2 गुंडे उन चारों को छेड़ने लगते हैं। अरे चमन, देख क्या माल जा रहा है, जी कर रहा है कि जाकर चिपक जाऊं। बदतमीज, शर्म नहीं आती लड़कियों को सरेआम छेड़ते हुए? उन दोनों गुंडों को अपनी चारों नंद के साथ बदतमीजी करता देख प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो पास में ही रखे पत्थरों को उठाकर उन गुंडों को मारने लगती है। अबे ओ पागल हो गई है क्या? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों को छेड़ने की? अगर यहाँ से गायब नहीं हुए तो चटनी बना दूंगी मार मार के। जिसके बाद वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अपनी भाभी को ऐसा करता देख चारों नंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो चारों अपनी भाभी के साथ घर आ जाती हैं और अगले दिन चारों नंद मिलकर अपने हाथों से बिरयानी बनाती हैं और अपनी भाभी के पास लेकर आती हैं। ये देखिए, हम चारों ने मिलकर आपके लिए बिरयानी बनाई है। भाभी, हमसे आज तक जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर देना। कल हम चारों को अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप ना होती तो ना जाने वो गुंडे हमारे साथ क्या करते। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। प्रीति अपनी चारों गोरी नंदों को माफ कर देती है, जिसके बाद चारों गोरी नंदे अपनी काली भाभी को अपने हाथों से बिरयानी खिलाती हैं और अब सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।